नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भार्गव। नो इंट्रो नो टाइम पास, डायरेक्ट काम की बात। तो दोस्तों, अगर आप एक स्मार्ट टीवी लेने का सोच रहे हैं तो यही बढ़िया टाइम है एक नया स्मार्ट टीवी लेने का, क्योंकि स्मार्ट टीवीज का जो दाम है वो बहुत ही कम हो गया है। पहले स्मार्ट टीवीज का दाम बहुत ही ज्यादा था, लेकिन जो कि फिलहाल अमेजन पे सेल चल रहा है और दिवाली ऑफर भी है, तो इसीलिए आपको ब्रांडेड टीवीज मिल जाएंगे बहुत कम दाम पे। फिलहाल आपको रेडमी टीवी, एसआर टीवी, कोडक का टीवी, वन प्लस टीवी आपको मिल जाएंगे 7,000, 8,000, 9,000 के अंदर। तो आज आपके लिए 32 इंच स्मार्ट टीवीज का कुछ बेस्ट डील्स लेके आया हूँ। 32 इंच मतलब इतना बड़ा होता है, और ये जो स्मार्ट टीवीज मैं आपको रिकमेंड करने वाला हूँ उनका फीचर्स सेम है, 1 ईयर वारंटी के साथ आता है। और इनमें से कुछ टीवीज में आपको एंड्रॉइड 11 नहीं तो एंड्रॉइड 9 OS मिलेगा और फायर OS मिलेगा, जिनके अंदर गूगल असिस्टेंट नहीं तो एलेक्सा आपको मिलेगा। आप रिमोट कंट्रोल से वॉइस कमांड्स दे सकते हैं। क्रोमकास्ट या मिराकास्ट मिलेगा। जो स्क्रीन है वो आपको लेड स्क्रीन मिलेगा, 1366x768 पिक्सल्स का होता है, और रिफ्रेश रेट है वो 60 हर्ट्ज का होगा। सभी टीवीज में ब्लूटूथ 5.0 है, डॉल्बी ऑडियो है, 1GB रैम, 8GB इंटरनल स्पेस और क्वाड कोर प्रोसेसर के साथ आता है, और सभी टीवीज का व्यूइंग एंगल 178 डिग्री है, मतलब साइड से भी देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और सभी टीवीज में USB इनपुट, HDMI इनपुट आपको मिलेगा। और जो कि ये सभी टीवीज स्मार्ट टीवीज है, इसीलिए आपको इसमें इनबिल्ट नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, अमेजन प्राइम वीडियो सभी कुछ एप्स आपको मिल जाएंगे, और प्ले स्टोर भी होता है, उससे आप जितने सारे एप्स डाउनलोड कर सकते हैं, गेम्स भी आप डाउनलोड करके टीवी में प्ले कर सकते हैं। तो इसीलिए आपको एक स्मार्ट टीवी ही लेना चाहिए और यही बेस्ट टाइम है। और अमेजन से खरीदने का एक प्लस पॉइंट ये है कि आपको 10 डेज के अंदर अगर कोई भी प्रॉब्लम मिलता है टीवी में, या फिर जो फीचर्स बताए गए थे वो सेम नहीं है, तो आपको रिप्लेसमेंट मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप बाहर शॉप से टीवी खरीदेंगे तो आपको रिप्लेसमेंट नहीं मिलता है। और इन टीवीज को आप EMI पे भी ले सकते हैं। अमेजन पे नो कॉस्ट EMI भी अवेलेबल है, मतलब आपको इंटरेस्ट भी नहीं चुकाना पड़ेगा। और जो EMI है 526 रुपीज़ से स्टार्टिंग है, तो मंथली सिर्फ आपको खर्चा पड़ेगा 526 और आपको इंटरेस्ट भी देना नहीं पड़ेगा। तो मेरे लिस्ट पे जो सबसे पहला टीवी है वो Redmi का Android 11 स्मार्ट LED टीवी है, जिसका प्राइस होता है 14,000-15,000, लेकिन आपको फिलहाल ये मिल जाएगा 9,000 रुपीज पे, और वो कैसे आपको मैं अभी बताने वाला हूँ। तो अभी अगर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेरे लिंक पे क्लिक करते हैं, तब आपको Redmi स्मार्ट टीवी का दाम देखने को मिलेगा 10,999 रुपीज, जो ऑलरेडी डिस्काउंट प्राइस है, लेकिन आपको उसमें और भी डिस्काउंट मिल सकता है, और वो ऐसे आपको Amazon पे कार्ड्स ऑफर मिलेंगे। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं तो डेबिट कार्ड है, और वो भी ICICI बैंक का, नहीं तो एक्सिस बैंक का, नहीं तो सिटी बैंक का, तब आपको इस टीवी को खरीदने के टाइम पे इंस्टेंट 10% अप टू 1250 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा। और अगर आप एक प्राइम मेंबर है तो आपको 5% डिस्काउंट मिलेगा और 5% कैशबैक भी मिलेगा। लेकिन अगर आप प्राइम मेंबर नहीं है तो आपको 5% तो डिस्काउंट मिलेगा ही, लेकिन आपको जो कैशबैक मिलेगा वो 3% का मिलेगा। लेकिन उसके लिए आपको ICICI Amazon Pay क्रेडिट कार्ड का यूज करना पड़ेगा। तो ऐसे आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का यूज करके आप और भी डिस्काउंट पा सकते हैं, और Redmi स्मार्ट टीवी को आप पा सकते हैं 9,000 रुपीज पे। और ये जो Redmi स्मार्ट टीवी है, ये भी एक बेस्ट स्मार्ट टीवी है, और ये टीवी आता है 1 ईयर के वारंटी के साथ, और ये Android 11 टीवी है, और स्मार्ट टीवीज के जो फीचर्स है सभी इसमें है, और इतने कम दाम पे आपको नहीं मिलेगा। तो अभी बेस्ट टाइम है, अभी मेरे दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए। तो चलिए अभी चलते हैं सेकंड टीवी के तरफ। तो मेरे लिस्ट पे जो सेकंड टीवी है वो है SR का टीवी, और ये भी Android 11 टीवी है और एक LED टीवी है, और सभी फीचर्स सेम है, वारंटी भी आता है 1 ईयर का, तो आप ये भी ले सकते हैं। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जब आप क्लिक करेंगे इसका भी दाम दिखाएगा 10,999 रुपीज, लेकिन अभी अभी मैंने आपको जो बताया वो स्टेप्स अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको ये टीवी भी बहुत ही कम दाम पे मिल जाएगा, 9,000 से 10,000 के अंदर आपको ये SR का टीवी मिल जाएगा। उसके बाद मेरे लिस्ट पे जो नंबर 3 है वो है OnePlus टीवी। इसका दाम 1,000 रुपीज ज्यादा है, लेकिन ये भी एक बहुत बढ़िया टीवी है, सिर्फ इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है Android 9। बाकी Redmi और SR में आपको Android 11 मिल रहा था, इसमें आपको मिलेगा Android 9। उसके अलावा बाकी फीचर्स सेम है, 1 ईयर वारंटी के साथ आता है, तो आप ये भी ले सकते हैं। और सभी ऑफर्स को लगा के आपको ये OnePlus का टीवी मिल जाएगा 10,000 रुपीज के आसपास। उसके बाद चौथा नंबर पे है क्रोमा स्मार्ट टीवी, और ये जो क्रोमा ब्रांड है ये भी बहुत ही अच्छा ब्रांड है, ये टाटा का ब्रांड है, तो आप इसको भी ले सकते हैं। इसका भी सभी फीचर्स सेम है, लेकिन इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है फायर OS 6, और इसमें आपको गूगल असिस्टेंट के बजाय आपको मिलेगा एलेक्सा,
उसके अलावा सभी फीचर्स सेम हैं, तो आप इसको भी ले सकते हैं। और इस क्रोमा टीवी का भी दाम आपको दिखाएगा 10,999 रुपीज, लेकिन अगर आप मेरे बताए गए तरीके से बाय करेंगे तब आपको ये टीवी मिल जाएगा 9,000 रुपीज के आसपास। तो ये भी आप कंसीडर कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसके बाद मेरे लिस्ट में जो आखिर का टीवी है वो भी बहुत ही अच्छा ब्रांड है, वो है कोडाक का स्मार्ट टीवी, और ये आपको बहुत ही कम दाम पे मिल जाएगा। ये आपको मिल जाएगा 7,000 रुपीज के आसपास, लेकिन इसमें जो फीचर्स है उसमें कोई भी कमियां नहीं है। ये भी 32 इंच का स्मार्ट टीवी है, एंड्रॉइड 9 ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आता है, लेड टीवी है, 1 ईयर वारंटी के साथ आता है, और स्मार्ट टीवी में जो फीचर्स होते हैं सब कुछ फीचर्स इसमें भी है, लेकिन इसका दाम बहुत ही कम है। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर आप उसमें क्लिक करेंगे तो आपको दाम दिखाएगा 8,999 रुपीज, लेकिन अगर आप कार्ड्स ऑफर का यूज करेंगे तो आपको ये टीवी मिल जाएगा 7,000 के आसपास। और 7,000 रुपीस पे एक ब्रांडेड स्मार्ट टीवी पाना बहुत ही मुश्किल है, तो आप इसको भी ले सकते हैं। ये भी आता है 1 ईयर वारंटी के साथ और बाकी फीचर्स सेम है। तो ये था मेरा रिकमेंडेड टॉप 5 32 इंच का स्मार्ट टीवी जो आप दिवाली के पहले ले सकते हैं ऑफर में। तो जल्दी कीजिए, आपके घर पे एक नया स्मार्ट टीवी लाइए दिवाली से पहले।